भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े अति पिछड़े शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को अयोध्या में 22 तारीख को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया उसके लिए हो या अनेकों काम वो करने जा रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो आज ये भी साबित हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे करके जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। और इसी कड़ी में हम एक मांग करते हैं कि बच गए हैं एक पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी जो शेड्यूल कास्ट क्या श्रम में जायते के प्रतीक थे, उनको भारत रत्न की उपाधि दें, ऐसा हम मांग करते हैं। और साथ साथ गरीबों को देवघर मंदिर में प्रथम पदार्पण कराने वाले और समानती व्यवस्था को समाप्त करने वाले डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ये दोनों को भी भारत रत्न की उपाधि दें, ऐसा हम उनसे मांग करते हैं। और रही बात कि जो हमने कहा था कि खेला होवे खेला होई और खेला होखे, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा।